कांग्रेस के टूटने का सिलसिला नया नहीं है। कई नेता पहले भी कांग्रेस को छोड़ चुके हैं और इस बड़ी पार्टी में कई टूट फूट हुई है। बल्कि ये कहना भी गलत नहीं होगा कि देश में जो बहुत सारी पार्टियां दिखाई देती हैं वो इसी पार्टी से निकली हुई हैं। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस है। लेकिन एक दिलचस्प पहलू ये भी है कि कांग्रेस से टूटने के बाद कई कामयाब नेता भी निकले। ऐसे कामयाब नेता जिन्होंने कामयाबी के साथ अपनी पार्टियों का गठन किया और अपनी राजनीति को चमका लिया, वो राजनीति जो कांग्रेस में रहकर सीमित दिखाई पड़ती थी। उदाहरण ममता बनर्जी, शरद पवार। ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस के जरिए अब पश्चिम बंगाल की एक बड़ी ताकत बन चुकी है। उनकी अपनी पार्टी है और उसकी ताकत इतनी ज्यादा है कि आज वो पीएम पद की रेस में दिखाई देती है। शरद पवार को ऐसा कहा जाता है पूरी महाराष्ट्र की राजनीति को कंट्रोल करते हैं। कांग्रेस का हिस्सा थे, एनसीपी बना ली थी नाराज होने के बाद। एक दो कहानियां नहीं है, ये सिलसिला भी लंबा। यानी देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस में नेताओं के पार्टी छोड़ने का सिलसिला जारी है, तो नई पार्टियां बनाने का सिलसिला भी बहुत पुराना है। और वही इस रिपोर्ट में दिखाएंगे आपको कि किस तरीके से कई पार्टियां बनी जो कांग्रेस से टूट के बाद बनी थी, और वो पार्टियां आज कहां हैं, वो नेता आज कितने कामयाब हैं या नाकाम हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद हाल ही में पार्टी को छोड़ने के बाद चर्चा में आए हैं, और इसके बाद फिर यह रिपोर्ट आपके सामने रखने का एक मौका मिला। 2014 के बाद से पार्टी लगातार एक के बाद एक चुनाव हार रही है। इसके साथ ही उसके कद्दावर नेता पार्टी का साथ भी छोड़ रहे हैं। ज्यादातर नेता किसी दूसरे दल का, किसी दूसरी पार्टी का दामन थाम लेते हैं, तो कुछ ऐसे भी होते हैं जो खुद की पार्टी का गठन करते हैं। आजाद ने भी नई पार्टी के गठन का ऐलान किया है। ऐसा हुआ तो ये 65वां मौका होगा, 65वां मौका जब कोई कांग्रेस छोड़कर नए राजनीतिक दल का गठन करेगा। 1885 में पार्टी की स्थापना हुई, तब से अब तक कांग्रेस ने 64 ऐसे बड़े मौके देखे जब कांग्रेस छोड़ने के बाद नेताओं ने अपनी नई पार्टी बना ली। 1969 में तो कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने इंदिरा गांधी को ही पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया था, तब इंदिरा ने अलग कांग्रेस बना ली थी। आज हम आपको बताते हैं कि कौन कौन से नेताओं ने कब कब अपनी नई पार्टी का गठन किया, नई पार्टी बनाने के बाद उसका हश्र क्या हुआ, नेताओं की क्या स्थिति हुई, तमाम बातें इस रिपोर्ट में जानिए। आजादी से पहले भी दो बार कांग्रेस में दरार पड़ी। शुरुआत आजादी से पहले की दो घटनाओं से करते हैं जब कांग्रेस में टूट पड़ी और नए राजनीतिक दल का आगाज हुआ। 1923 में चितरंजन दास ने कांग्रेस छोड़कर स्वराज पार्टी बनाई। बताया जाता है कि चितरंजन दास काउंसिल में शामिल होकर ब्रिटिश सरकार की नीतियों का नए तरीके से विरोध करना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस अधिवेशन में उनका यह प्रस्ताव पास नहीं हुआ। इसके बाद उन्होंने स्वराज पार्टी बना ली। 1924 में दिल्ली में कांग्रेस के अतिरिक्त अधिवेशन में उनका यह प्रस्ताव पास हो गया। 1925 में स्वराज पार्टी का कांग्रेस में विलय हो गया, फिर से वो शामिल हो गए। 1939 में महात्मा गांधी से अनबन होने पर सुभाष चंद्र बोस और शार्दुल सिंह ने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक नाम से अलग पार्टी खड़ी कर ली थी। पश्चिम बंगाल में अभी भी यह पार्टी अस्तित्व में है, हालांकि इसका जनाधार काफी कम हो चुका है। अब आजादी के बाद किस तरह से पार्टी बिखरी और ज्यादा बिखरती दिखाई दी, क्योंकि यहां पर राजनीतिक हित बहुत ज्यादा दिखने लगे थे और तमाम लोग चाहते थे कि वो पार्टी में बड़ा पद पाएं, लेकिन कुछ लोगों के इर्द गिर्द पार्टी की ताकत सिमटी रहती थी। ऐसे में जो नेता बड़े होते थे, लोकप्रिय होते थे, वो अपनी पार्टी बनाते थे, या जिनकी बात नहीं मानी जाती थी या जो पार्टी में घुटन महसूस करते थे वो बाहर चले जाते थे। आजादी के बाद कांग्रेस में सबसे ज्यादा फूट पड़ी। तब से 2021 तक कांग्रेस छोड़ने वाले नेता 62 नई राजनीतिक पार्टियां बना चुके हैं। आजादी के बाद कांग्रेस छोड़ने वाले नेताओं ने 1951 में ही 3 नई पार्टियां खड़ी की। जीवट राम कृपलानी ने किसान मजदूर प्रजा पार्टी, तुंगुतुरी प्रकाशम और एनजी रंगा ने हैदराबाद स्टेट प्रजा पार्टी, और नरसिंह भाई ने सौराष्ट्र खेदूत संघ नाम से अलग अलग राजनीतिक दल शुरू किए थे। इसमें हैदराबाद स्टेट प्रजा पार्टी का विलय किसान मजदूर प्रजा पार्टी में हो गया। बाद में किसान मजदूर प्रजा पार्टी का विलय प्रजा सोशलिस्ट पार्टी और सौराष्ट्र खेदूत संघ का विलय स्वतंत्र पार्टी में हो गया। 1956-1970 ये कांग्रेस से निकले ऐसे नेताओं का समय था जब 12 नए दल बने। कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे सी राजगोपालाचारी, इन्होंने 1956 में पार्टी छोड़ दी थी। बताया जाता है कि तमिलनाडु में कांग्रेस नेतृत्व से विवाद होने के बाद उन्होंने अलग होने का फैसला किया था। राजगोपालाचारी ने पार्टी छोड़ने के बाद इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक कांग्रेस पार्टी की स्थापना की। ये पार्टी मद्रास तक ही सीमित रही, हालांकि बाद में राजगोपालाचारी ने एनसी रंगा के साथ 1959 में स्वतंत्र पार्टी की स्थापना कर ली और इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी का इसमें विलय कर दिया। स्वतंत्र पार्टी का फोकस बिहार, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और मद्रास में ज्यादा था।
1974 में स्वतंत्र पार्टी का विलय भी भारतीय क्रांति दल में हो गया। इसके अलावा 1964 में केम जॉर्ज ने केरल कांग्रेस नाम से नई पार्टी का गठन कर दिया। हालांकि बाद में इस पार्टी से निकले नेताओं ने अपनी 7 अलग अलग पार्टी खड़ी कर ली। 1966 में कांग्रेस छोड़ने वाले हरे कृष्णा मेहताब ने ओडिशा जन कांग्रेस की स्थापना की और बाद में इसका विलय जनता पार्टी में कर दिया गया। 1968 तक और कौन कौन सी पार्टियां बनी ये भी जान लीजिए। 1967 में बांग्ला कांग्रेस बनी जिसका बाद में कांग्रेस में ही विलय हो गया था। 1967 में ही विशाल हरियाणा पार्टी बनी इसका भी विलय बाद में कांग्रेस में ही हो गया था। 1967 में भारतीय क्रांति दल बनी और बाद में लोक दल में इसका विलय हो गया। 1968 में मणिपुर पीपल्स पार्टी बनी जो अभी भी अस्तित्व में है। 1969 और 1978 में इंदिरा को ही पार्टी से निकाल दिया गया था और ये कांग्रेस आई यानी कांग्रेस इंदिरा फिर तब अस्तित्व में आई। ये बात 12 नवंबर 1969 की है। तब कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को ही पार्टी से निकाल दिया था। उन पर अनुशासन भंग करने का आरोप लगा था। इसके जवाब में इंदिरा गांधी ने नई कांग्रेस खड़ी कर दी थी। इसे कांग्रेस आर नाम दिया गया। बताया जाता है कि जिन नेताओं ने इंदिरा को पार्टी से निकाला था उन्हीं ने 1966 में उन्हें प्रधानमंत्री बनाया था। तब इंदिरा गांधी के पास अनुभव और संगठन की समझ कम थी। हालांकि सरकार चलाने के साथ ही वो एक मजबूत राजनीतिज्ञ के रूप में उभरी। 1967 में उन्होंने अकेले के दम पर चुनाव लड़ा और मजबूती से जीत हासिल की। ये विवाद इसलिए महत्वपूर्ण है इसको जानना क्योंकि अभी वर्तमान हालात कुछ कुछ ऐसे ही हैं। पार्टी में गांधी परिवार के इर्द गिर्द ऐसे धड़े खड़े हो गए हैं जो सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी इनका नेतृत्व नहीं चाहते हैं और खुद भी कंटेस्ट कर सकते हैं, इस तरह के कयास लग रहे हैं। इंदिरा ऐसा दौर देख चुकी थी। अनुभव की कमी उस वक्त भी बड़ी वजह थी। इंदिरा से विवाद के चलते ही के कामराज और मुरारजी देसाई ने इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन नाम से अलग पार्टी बनाई थी। बाद में इसका विलय जनता पार्टी में हो गया था। 1969 में ही बीजू पटनायक ने ओडिशा में उत्कल कांग्रेस, आंध्र प्रदेश में मेरी चेना रेड्डी ने तेलंगाना प्रजा समिति का गठन किया था। इसी तरह 1978 में इंदिरा ने कांग्रेस आर छोड़कर एक नई पार्टी का गठन किया। इसे कांग्रेस आई का नाम दिया गया। एक साल बाद यानी 1979 में डी देवराज यूआरएस ने इंडियन नेशनल कांग्रेस यूआरएस नाम से पार्टी का गठन किया। देवराज की पार्टी अब अस्तित्व में नहीं है। अब बहुत रीसेंट अगर बात करें चेहरों की जिनका थोड़ा जिक्र शुरू में किया, ममता बनर्जी, शरद पवार 1998, हालांकि थोड़ा समय हो गया है इस बात को भी, ममता बनर्जी और शरद पवार को अपनी राजनीति को इस मकाम तक पहुंचाने में थोड़ा समय लगा। 1998 में ममता बनर्जी और 1999 में शरद पवार अलग हुए। ये भी पहले कांग्रेस का हिस्सा थे। 1998 में ममता बनर्जी ने कांग्रेस छोड़कर ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस बना ली थी। वो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बन चुकी हैं। तृणमूल कांग्रेस की अपनी ताकत है। इसी तरह एक साल बाद शरद पवार, पीए संगमा और तारिक अनवर ने नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी का गठन कर लिया था। अब इसे एनसीपी के नाम से जाना जाता है। शरद पवार अभी भी इसके प्रमुख हैं। अभी महाविकास अगाड़ी की जो संरचना हुई उसमें एनसीपी बड़ा प्रमुख दल दिख रहा था। एनसीपी महाराष्ट्र के बाहर गोवा और कुछ आसपास के क्षेत्रों में भी प्रभावशाली दिखाई पड़ता है। केंद्र की राजनीति हो, जब समीकरण बैठाने की बात हो तो शरद पवार की सलाह मशविरा आज भी विपक्षी दल ले रहे हैं। 2016 में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के बड़े नेता रहे अजीत जोगी ने पार्टी छोड़कर छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस नाम से नया दल बना लिया था। छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री बने थे कांग्रेस की तरफ से अजीत जोगी, लेकिन बाद में पार्टी से अनबन के बाद में उन्होंने अपना दल बना लिया था। और सबसे ताजा बात, आखिरी बार पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह की भी बात कर लेते हैं। उन्होंने भी अपनी पार्टी बनाई है, इसे पंजाब लोक कांग्रेस का नाम दिया है। 2022 विधानसभा चुनाव भी अमरिंदर सिंह की इस नई पार्टी ने लड़ा था लेकिन बुरी तरह से हार गए। इसके अलावा सोनिया गांधी से विवाद के चलते जगनमोहन रेड्डी को नहीं भूलना चाहिए। उन्होंने वाईएसआर कांग्रेस का निर्माण किया। कुलदीप बिश्नोई ने हरियाणा जनहित कांग्रेस का गठन किया। तो यह कोई पहला मौका नहीं है जब कांग्रेस में इस तरह की उठा पटक देखने को मिल रही है। हालांकि कांग्रेस एक बहुत ही कमजोर और बुरे दौर से गुजर रही है ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि जब जब भी कांग्रेस में फूट हुई वहां पर बड़ी संभावना इसलिए दिखती थी क्योंकि कांग्रेस बहुत बड़ी ताकत थी। अब जब कांग्रेस में फूट होती है तो मुसीबत इसलिए बढ़ जाती है कांग्रेस की क्योंकि कांग्रेस की स्थिति नहीं है कि वो अंदरूनी फूट को संभाल सके। अभी तो पार्टी को खड़ा करना ही एक बहुत बड़ा चैलेंज है और इसकी बहुत बड़ी वजह है कि अब सत्ता में या ताकत में बीजेपी दिखाई देती है। अब बीजेपी बहुत बड़ी ताकत बन चुकी है जिसके सामने कांग्रेस की ताकत कुछ भी नहीं दिखाई देती है। लिहाजा क्षेत्रीय दल अपनी अपनी ताकत से अपने अपने क्षेत्रों में लड़ रहे हैं, चाहे वो ममता बनर्जी हों, केसीआर हों, शरद पवार हों, या फिर लालू प्रसाद यादव नीतीश कुमार का गठबंधन हो, या अखिलेश यादव और मायावती, दोनों अलग अलग दिखाई पड़ते हैं लेकिन दोनों ही बीजेपी के खिलाफ दिखाई पड़ते हैं। तो बीजेपी को क्षेत्रीय नेताओं का, क्षेत्रीय चेहरों का चैलेंज मिलता है लेकिन केंद्रीय पार्टी का या कांग्रेस का कोई चैलेंज दूर दूर तक मिलता नहीं दिखाई देता। और इस सब के बीच में कांग्रेस में जबरदस्त फूट देखने को मिल रही है।
लिए सिर्फ गुलाम नबी आजाद नहीं, कई बड़े नेता जो हैं वो कांग्रेस नेतृत्व पर चुनाव पर कई गंभीर सवाल खड़े कर चुके हैं, और खास तौर पर तब जबकि आने वाले समय में गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल ऐसे राज्य जहां पर कांग्रेस की सीधी टक्कर बीजेपी से होती है वहां पर अब चुनाव होने वाले हैं, विधानसभा के चुनाव हैं। बीजेपी थोड़ा कॉन्फिडेंट है, केजरीवाल अपने लिए अवसर तलाश रहे हैं, लेकिन इस सब के बीच में ये जानना जरूरी था कि कांग्रेस में इससे पहले भी कितनी बार फूट हुई है, कितनी पार्टियां बनी, उनमें से कितनी अब भी अस्तित्व में है, कितने कामयाब हुए और कितने नाकाम। देखते हैं गुलाम नबी आजाद का क्या होता है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।